फ्रेंड्स, आज मैं आपको वॉकेट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके वॉकेट की 2 श्रृंखलाएं आपको दे दी हैं, जिसमें आपको बड़े ही थिंकफुल रूप से और मीनिंगफुल बनाकर के याद कराने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से आज भी मैं वही प्रयत्न करूँगा, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट को किसी अन्य पॉइंट से जोड़ लेते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। इसी प्रकार से आज मैंने देखो आपके सामने 8 वर्ड लिखे हुए हैं। पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, फिर हम उसको बताते चले जाएंगे। पहला जैसे है पैगॉन, पैगॉन, तो आप देख सकते हैं पैग ऑन। अब पैग जब ऑन होता है, यानी कि जब आप पैग लगा लेते हैं तो क्या होता है, थिंकफुल। सोचिए, जब पैग लगा लेते हैं तो किसी प्रकार की शर्म हया का ज्ञान नहीं होता है, किसी धर्म अधर्म के बारे में पता नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं पैगॉन यानी विधर्मी। विधर्मी यानी कि एक ऐसा वर्ड जो धर्म को नहीं मानता है। श्योर है कि जब आप कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, होश में नहीं रहते, तो उसे विधर्मी कहा जाता है, यानी पैग ऑन। बहुत ही थिंकफुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ, पैग ऑन यानी कि पैग ऑन। ऐसे पैगन होता है ये, है ना, लेकिन उसको अर्थ निकालेंगे पैग ऑन। पैग ऑन यानी कि विधर्मी। क्वैग मर, क्वैग मीन्स जल्दी से, वो ऐसे तो अर्थ है क्वैग मैर, लेकिन अगर हम अर्थ निकाले तो क्वैग, क्वैग यानी कि क्विक लगा लीजिए, एम आई आर ई मरे, मेरी मेरे यानी कि मरे, क्वैग मरे मी सोचता है। अभी मैं अपने आप अर्थ निकलवाऊंगा आपको, क्वैग, क्वैग मी शीघ्रता से, क्विक क्विक होता है एक बार, क्विक माने शीघ्रता से होता है, और एम आई आर ई मर मेरे यानी कि मरे, क्वैग मर शीघ्रता से मरना या मर जाना, है ना, तो क्या हुआ क्वैग मर। अब जब ऐसी स्थिति में फंस जाना जिससे मर जाए, तो उसे क्या कहते हैं, दलदल। यानी कि जब आदमी दलदल में फंस जाता है तो निकलने के लिए बड़ा ही जतन करना पड़ता है, यानी क्वैग मर, क्वैग मैर यानी कि क्वैग मर, क्वैग मैर, क्वैग मैर। इसी तरह से रैन सेट, रैन आर ए एन रैन सेट, रैन में सेट, रैन में सर, रैन में सर, रैन सेट, रैन यानी कि वर्षा, वर्षा में सड़ना। तो वर्षा में क्या आती है, जब सड़ जाती है तो क्या आती है, बदबू आती है, क्या आती है, बदबूदार, तो आ गया बदबूदार। रैन सेट यानी रन में, वर्षा में सड़ गया, तो जब सड़ जाती है तो क्या आती है, बदबू आती है, रैन सेट। और बदबूदार नहीं कहना, तो उसे हम बासी भी कह सकते हैं, बासी। एक अगला देखिए, सेल ऑन, सेल ऑन, सेल ऑन, ऐसे सेल को साल भी कह सकते हैं, साल ऑन, सेल ऑन यानी कि साल ऑन। साल जब ऑन होता है, यानी जब नया साल शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो यहाँ तो स्वागत हो गया, अब स्वागत कहाँ करेंगे, कक्ष में ही करेंगे ना, स्वागत कक्ष हो गया तो, या फिर हम उसे बैठक कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेहमान आते हैं जिनका हम स्वागत करते हैं वो बैठक में ही बिठाए जाते हैं, यानी कि सैलोन, सालोन, सालोन स्वागत कक्ष, बैठक। एक और देखिए कौन सा है, टैम, टैम, टी अमे यानी टैम, टैम यानी कि टैम में जो फंस जाता है, कहते टैम टैम, बल्कि टाइम होता है ना, टाइम में, अगर हम टाइम में कहते हैं, टाइम में बंधा हुआ, और टैम यानी कि पालतू, टैम यानी कि पालतू। अगला देखिए, अपवेक,
अबैक कुत्ता है, अबैक हा माने आया हो, बैक माने वापस, बैक वापस लौटना ही वापस होना है ना। अबैक अबैक लेकिन उल्टा इसका होगा, वापस आने की जगह पीछा करना, यानी कि यह कह सकते हैं मेरे पीछे आओ, यानी पीछे की ओर, अबैक पीछे की ओर, पीछे की ओर, अबैक यानी कि पीछे की ओर, अबैक मीन्स पीछे की ओर। वे रन जिसका वर्षा से बैर हो, बैर यानी कि होंगे बैर, बी ए आर बैर यानी वर, बैर वैरन होता है, वेर रैन यानी कि जिसका वर्षा से रैन होता है, यानी वर्षा से बैर या शत्रुता होती है, जब वर्षा से शत्रुता हो जाती है तो क्या होता है, सूखा होता है, क्या होता है, सूखा होता है, बंजर होता है, जब सूखा पड़ेगा तो बंजर हो जाएगा ना। बैर रैन बैरन यानी बैर रैन, दो भाव में रखता दो, बैर रैन यानी बैरन यानी कि वर्षा से क्या हो जाना, शत्रुता होना, और जब शत्रुता होती है बंजर बनता है, बंजर होता तो सूखा पड़ता है, राइट है ना। कैसे कैस इसे कहते हैं, कैसे नहीं लिखा सी ए सी एच ई, लेकिन यहाँ सी एच ई सा बनता है, आपको प्रोनाउंसिएशन का भी एक लेक्चर दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कौन सा वर्ड कहाँ आकर के बनता है, यहाँ सी एच ई सा बन रहा है, ये कैस। अब कैस कैस कहाँ रखा जाता है, ये वाला कैस नहीं है, ये कैस होता है सी ए एस एच, वो कैस होता है उसका मतलब होता है नगद, इसे हम होमोफोन्स में भी ले सकते हैं, कैस इसका क्या होगा कैस। और कैस कहाँ रखा जाता है, तिजोरी में, तिजोरी कैसी होती है सुरक्षित, तिजोरी कैसी होती है सुरक्षित, यानी कि हम कह सकते हैं कैश में होता है धन या रुपया या भोजन सामग्री, भोजन सामग्री छुपाने का स्थान, छुपाने का स्थान, धन या भोजन सामग्री छुपाने का स्थान। इस प्रकार से आपके 8 वर्ड हो गए हैं, एक बार इनको और रिवाइज कर लें और पूरा विश्वास है कि आपको बन जाएगा। पैगोन पैगन यानी कि विधर्मी, पैगोन विधर्मी, क्वैगमायर यानी क्वैग मर, दलदल, दलदल में आदमी बहुत जल्दी मरता है, डूब करके मर जाता है। रैनसेट बदबूदार, रैन में सड़ना बदबू आना है, रैनसेट बदबूदार वासी। सैलोन सालोन यानी साल का स्वागत करना, यानी स्वागत कक्ष या बैठक। टेम पालतू, टेम पालतू है ना, जो टेम में बन जाता है यानी जो होता है, तमे यानी कि पालतू। अबैक यानी पीछे की ओर, अबैक मीन्स पीछे की ओर, आप बैक पीछे की ओर आप। वैरन जो बैर यानी रैन से जिसका बैर हो वो सूखा या बंजर। कैश यानी धन या भोजन सामग्री छिपाने का स्थान, कैश कैश कहाँ रखा जाता है, सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, यानी कि भोजन सामग्री छुपाने का स्थान। इस प्रकार से आपके 8 शब्द हो गए हैं, 8 वर्ड, और बहुत ही अच्छी तरह से एक बार दो बार आप जब देख लेंगे, छोटा सा वीडियो है, आपको पूरा विश्वास है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।